वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। टुडे वी विल डिस्कस ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम 9th of January टू 15th of January 2023। द क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट बिगिन इन। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो पर्पल फेस्ट है वो कहाँ पे होगा, गोवा में होगा, तो ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल है। इंक्लूजन फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब होता है कि हमने सारे जो लोग हैं उनको एक साथ लाना है। वो किसी भी रेस के हो, किसी भी जेंडर के हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, किसी भी डिसेबिलिटी के हो, चाहे डिसेबल पर्सन हो चाहे ना डिसेबल पर्सन हो, मेडिकली अनफिट हो या कुछ और पीपल हो, मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको एक साथ एक मंच पे लाना, ठीक है, उनको एक साथ लगाना, एक यूनिटी बनाना, उसको बोलते हैं हम इंक्लूजन। तो ये इंडिया का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल है जो कि गोवा में हो रहा है, उसका नाम है पर्पल फेस्ट। एम क्या है इसका? द पर्पल फेस्ट इज़ द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इट्स काइंड इन गोवा में हो रहा है, क्योंकि पहला इंक्लूजन फेस्टिवल है। कोई भी पर्सन इसमें आ सकता है, कोई भी डिसेबिलिटी वाला, कोई भी सेक्स वाला, कोई भी रेस हो, ठीक है। इट इज़ एन इंक्लूसिव इवेंट दैट एम्स हाईलाइट हाउ वी कैन वर्क टुगेदर, मतलब कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं और वर्ल्ड को आगे ले जा सकते हैं और इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। द इवेंट इंक्लूड्स पैनल डिसिस में बहुत सारी पैनल डिस्कशन होगी, आर्टिस्टिक लाइव परफॉर्मेंस होगी, लार्ज डिस्प्ले पे ये शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो इसमें होगी, जो कि कहाँ पे हो रहा है, पर्पल फेस्ट, दैट इज़ गोवा। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल। हु लॉन्च्ड द थीम ऑफ Y20 समिट लोगो एंड वेबसाइट इन द कर्टेन रेजर इवेंट ऑफ Y20 समिट इंडिया इन न्यू दिल्ली। तो Y20 समिट का जो कर्टेन रेजर हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था? न्यू दिल्ली में हो रहा था, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका लोगो जो है वो लॉन्च किया, इसकी एक वेबसाइट है उसको लॉन्च किया और इसकी जो थीम है वो भी इसको लॉन्च किया है। तो Y20 का मतलब क्या है? यूथ 20, मतलब कि जो G20 के जितने भी देश हैं ना, G20 के कितने देश हैं, 20 देश हैं, तो उन 20 देशों के जो यूथ हैं, ठीक है, उनको आगे लाने के लिए जो है ये Y20 समिट 2023 जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, इसका मतलब है Y20 इज़ द ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20। सो G20 के जितने भी देश हैं उनके जितने भी यूथ हैं, ठीक है, वो आगे आएंगे ताकि वो क्या करेंगे, जो जितने भी ज़्यादा यूथ हो ना वो क्या करेंगे, देश को आगे ले जाने का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं यूथ, ठीक है। और ये एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो नौजवान लोग हैं अपने विजन को शो करने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, आप किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं, अपन किस तरह के व्यूज़ हैं, ठीक है, G20 में किस तरह की बातें होनी चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए। तो ये Y20 का एक समिट था, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द यूथ लीडर, जितने भी लीडर्स हैं, जो यंग लीडर्स हैं उनको एक साथ लाना, इन्हें डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, जितने भी हमारे पास चैलेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड में उनको सॉल्व किया जाना, उनके ऊपर बात की जाएगी और उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो अनुराग ठाकुर ने क्या क्या बोला, इसकी जो थीम है Y20 की, फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्रीज 4.0 इंडस्ट्रीज लाना, इनोवेशन करना, 21st century के स्किल्स एंड डेवलपमेंट करना लोगों के बीच में, ठीक है। दूसरा हमारे पास सबसे अच्छा है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आजकल क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और डिजास्टर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको कम करना, ठीक है। उसके बाद पीस बिल्डिंग, जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्या हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, उनको ख़त्म करना, पीस लाना पूरे वर्ल्ड में, और शेयर्ड फ्यूचर, मतलब कि एक तरह का जो यूथ है ना वो एक तरह का बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ये सारे के सारे अगर हमने फीचर्स इंप्लीमेंट करने हो, ठीक है। तो इसी के लिए Y20 जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। यूथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में भी यूथ आने चाहिए, गवर्नेंस में भी यूथ आने चाहिए, हेल्थ में भी यूथ आने चाहिए और स्पोर्ट्स में भी यूथ आने चाहिए। तो इस तरह का जो है हमारे पास ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं Y20 समिट, जो कि कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में, न्यू दिल्ली में। इंडिया सरप्राइजेस टेस्ट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्लोबली इंडिया की रैंक अब ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी तीसरे नंबर पे आ गई है, पहले हम चौथे नंबर पे थे, अब पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे है जापान, पांचवे पे है जर्मनी। पहले इंडिया चौथे नंबर पे था जापान से पीछे, बट इस साल क्या है, इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, तो आंसर इज सी, जापान। तो इंडिया की जो टोटल सेल है ना इस बार वो है 4.4
मिलियन यूनिट्स, ठीक है, 4.4 मिलियन जो कार्स हैं या ऑटोमोबाइल है, कार्स है, व्हीकल्स जितने भी हैं वो बेची है इंडिया ने 4.25 या 4.4 के आसपास मिलियंस, 4.4 मिलियन यूनिट्स, ठीक है। और चाइना ने 24.8 मिलियन बेचा है और यूएसए ने 13.8 मिलियन बेचा है, बट जापान थोड़ा सा पीछे रह गया, 4.2 मिलियन जो है उन्होंने सोल्ड किया है जापान में, ठीक है। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट केयर में कार मेकर है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी कार बनाती है, उनकी ही सबसे ज़्यादा सेल हुई है, मारुति सुजुकी की ने सबसे ज़्यादा जो है सेल की है। तभी हम 4.25 और 4.4 कर दो, 4.4 मिलियन यूनिट्स जो है बेच पाए हैं। और ये ग्रोथ है, परसेंटेज ग्रोथ है इंडिया की, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, 23.40% की ये ग्रोथ है, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वर्ल्ड में। VCT टू होस्ट फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, ठीक है, दैट इज़ हैदराबाद, इंडिया में ये पहली बार हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट एवर फार्मूला ई, फार्मूला ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होंगी, इलेक्ट्रिक इस तरह की गाड़ियाँ होंगी जिनकी एक रेस होगी, फार्मूला रेसिंग होगी, ठीक है, उसकी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, जो कि कहाँ पर हो रही है? हैदराबाद में हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट एवर है FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस इन इंडिया, ठीक है। और कहाँ पे हो रही है? हैदराबाद में ये हो रही है। कब से? 11 फरवरी से ये स्टार्ट होगी, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ताकि हम नेट जीरो कार्बन, कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर सकें, ठीक है। इसकी दिशा में ये काम करेगा, ठीक है। और ये 11 फरवरी से स्टार्ट होगी, इसका जो ये फोर्थ रेस होगी इसी सीजन की, सीजन 9 की फार्मूला ई रेसिंग का, ये सीजन 9 चल रहा है और इसकी ये फोर्थ रेस होगी। फर्स्ट थ्री में मैक्सिको सिटी और रियाद में ये पहले से ही हो गई है, और ये फोर्थ रेस है कहाँ पे? हैदराबाद में। Which country developed the Aadhaar-like platform for 9 countries called modular open source identity platform, that is India? तो आपको पता है कि इंडिया के पास क्या है? आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड के बेस पे ही कुछ दिन पहले आपने सुना था कि जो श्रीलंका है वो भी ऐसा बोल रहा था कि हमें भी, जिस तरह से आधार कार्ड इंडिया में चल रहा है, हमें भी आधार कार्ड बना के दो, आधार कार्ड्स बना के दो हमारी हमारी जो जनता है उनके लिए। तो इसी के चलते इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक आधार की तरह ही एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसका नाम है मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। जितने भी जो एक कंट्री के लोग हैं उनको एक तरह का आइडेंटिटी प्रूफ देना, ठीक है, इसका ये काम है। तो आपने याद रखना है MOCP इसका नाम है, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया 9 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को आधार बनाएगी इसके बेस पे, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया फिलीपींस को भी आधार बनाएगा, मोरक्को को भी, श्रीलंका को भी, युगांडा, इथोपिया, रिपब्लिक ऑफ गिनी, सीरिया लियोनी, बुर्किना फासो एंड टोगोलीज रिपब्लिक, ठीक है। इन सब को ये आधार कार्ड बनाएंगे, कौन सी स्कीम के अंडर? मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के अंडर ये बनेगा, ठीक है। बेली सस्पेंशन ब्रिज जो कुछ दिन पहले जो है राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था, वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, जो भी BRO की जितने भी ब्रिजेज़ हैं, बड़े बड़े जो ब्रिजेज़ हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो आपने वो हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे खुला है? दैट इज़ ए J&K में इसको इनाग्रेट किया है। ये इस तरह का एक पुल है, सस्पेंशन ब्रिज पुल है, ठीक है। बेली सस्पेंशन ब्रिज ओवर कौन सी रिवर है? ये रिवर है चिनाब रिवर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है। और डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है, उन्होंने इसको वर्चुअली इनाग्रेट किया है। ये 240 फीट हाई ऊंचा है, ठीक है। और इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ BRO, जो कि 1960 में हमने लॉन्च इसको बनाया था, ठीक है। तो ये सस्पेंशन ब्रिज है, तो और ये अक्टूबर से जो है अब बनना स्टार्ट हुआ था। डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, इंडिया में सबसे डर्टीएस्ट, सबसे ख़राब जो रेलवे स्टेशन है वो कौन है? दैट इज़ ए पेरुंगलाथू, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु के बहुत सारे इस तरह के स्टेशन हैं जो कि काफ़ी ख़राब है। सबसे पहले नंबर पे पूरे इंडिया में सबसे जो ख़राब रेलवे स्टेशन है, सबसे गंदा, सबसे डर्टीएस्ट, वो है पेरुंगलाथू तमिलनाडु। उसके बाद गुंडे तमिलनाडु, दिल्ली सदर बाजार तीसरे नंबर पे है, वेलाचेरी तमिलनाडु, गुडुवंचेरी तमिलनाडु, सिंगापुर मकोली तमिलनाडु, ओटापल्लम केरला,
ठीक है, पजाकथंगल तमिलनाडु एंड अरियाकोट बिहार में, खुर्जा उत्तर प्रदेश में। तो ये सबसे जो हमारे पास डर्टीएस्ट हैं रेलवे स्टेशन, टॉप 10 डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन जो कि इंडिया के हैं। तो हमने इसमें याद रखना है सबसे पहले नंबर पर है पेरुथंगलातु तमिलनाडु का। इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स, ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग जो पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल के एयरपोर्ट हैं 2022 की लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में पहले नंबर पे कौन सा एयरपोर्ट है? तो पहले नंबर पे है हनेदा एयरपोर्ट जो कि टोक्यो जापान में है। दूसरे नंबर है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु इंडिया में है। सबसे अच्छी सर्विस है इनकी, सबसे बढ़िया यहाँ पे पूरा साफ सफाई भी है, सबसे अच्छी इनकी सर्विसेज भी है। तीसरे नंबर पे है साल्ट सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उता USA। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है, इसका नाम है किरियम एविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे है हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान, दूसरे पे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडिया का है बेंगलुरु में, साल्ट लेक सिटी दैट इज उता यूनाइटेड स्टेट, डेट्रोलियन मेट्रोपॉलिटन वेन कंट्री एयरपोर्ट जो कि US का है, ठीक है। उसके बाद फिलिपीडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि US का है, उसके बाद US का ही एक और है, उसके बाद हमारे पास जो इंडिया का है वो है 6th 7th नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तो इस तरह के ये एयरपोर्ट्स हैं, और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो ये 10 के 10 एयरपोर्ट्स हैं इसमें एक भी यूरोप का नहीं है, ठीक है, यूरोप का इसमें एक भी नहीं है। तो एजुल एयरलाइंस जो ब्राज़ील की है वो वर्ल्ड वाइड लीडर बना है एयरपोर्ट्स में, और जो सबसे लो कॉस्ट एयरलाइन है वो है जापान की स्टार फ्लायर। द वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ प्लांट लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एस्टेब्लिश्ड इन दैट इज़ बी तिरुवंतपुरम केरला। सो तिरुवंतपुरम केरला में जो पाम लीफ है, ठीक है, इससे जो पाम ऑयल लीव्स हैं, ठीक है, तो ये इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसके जो एक तरह का मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी लिखी होती है, ठीक है। इसका जो म्यूज़ियम है वो कहाँ पे बना है, वो केरला में इसका म्यूज़ियम बना है। वर्ल्ड का फर्स्ट है ये, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट, तो इंडिया का ऑटोमेटिकली फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। यहाँ पे हमारे पास 187 मैन्युस्क्रिप्ट रखी जाएंगी इस म्यूज़ियम में, ठीक है, और इसके बारे में जैसे एक पाम ऑयल लीफ है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो उसमें दी जाएगी। तो इस तरह के 187 मैन्युस्क्रिप्ट जो है यहाँ पे रखे जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आर रिटन ऑन क्लीन एंड क्लियर पाम लीव्स, ठीक है, जो पाम लीव्स है ना उसके ऊपर ये लिखे जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स विच आर फर्निश्ड इन द रिकॉर्ड रूम, ठीक है, इन दैट पीरियड दीज पाम लीव्स आर ट्रीटेड बिफोर राइटिंग द डिस्क्रिप्शन। मतलब कि जो ये पाम ऑयल्स हैं इन पाम लीव्स है इसके ऊपर ये लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का पहला म्यूज़ियम है जो कि कहाँ पे खुल रहा है, तिरुवंतपुरम केरला में ये खुल रहा है, ठीक है। म्यूज़ियम हाउसेज अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर टेल्स ऑफ ट्रावेंकोर एंड द फर्स्ट किंगडम इन एशिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये पाम ऑयल्स लीव्स है ना इसके बारे में भी जानकारी होगी, ठीक है, और साथ में जो फर्स्ट की एशिया का जो पहला किंगडम था, ठीक है, यूरोपियन जो पावर्स थी वो सब कुछ इस पाम ऑयल्स की लीफ के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, जो लीव्स हैं इसके ऊपर जो है ये सारा कुछ लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट पाम ऑयल लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि तिरुवंतपुरम केरला में बनाया जा रहा है। इंडिया डिप्लॉयज ए पल्टन ऑफ वोमेन पीस कीपर्स ऑफ टू द यूनाइटेड नेशन मिशन इन दैट इज बी सूडान। तो इंडिया ने सूडान में क्या किया है, यूनाइटेड नेशन के थ्रू एक वोमेन की पूरी बटालियन है, ठीक है, वो सारी की सारी बटालियन कहाँ पे रखी है, सूडान में रखी है। क्यों रखी है, वहाँ पे शांति फैलाने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का काम ये पूरे वर्ल्ड में शांति फैलाने का होता है, ठीक है, शांति रखने के लिए होता है यूनाइटेड नेशन का। तो वहाँ पे एक पीस कीपिंग फोर्सेज होती है, पीस कीपिंग फोर्सेज मतलब कि जो और पूरी की पूरी कंट्रीज है ना, पूरे के पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज है ना, तो वहाँ से कुछ एक लोग होते हैं, कुछ एक सोल्जर होते हैं, वो यूनाइटेड नेशन को ये दे देते हैं कि ये पीस कीपिंग फोर्सेज हैं यूनाइटेड नेशन के लिए। फिर ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये जैसे हमारे पास बहुत सारे जो देश हैं लाइक सूडान है, अफगानिस्तान है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, जहाँ पे पीस की शांति की ज़रूरत होती है, तो यूनाइटेड नेशन अपने में से ये फोर्सेस कहाँ पे डिप्लॉय कर देता है, इन कंट्रीज में डिप्लॉय कर देता है ताकि वहाँ पे शांति बनाए रखे। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी सिंगल कंटिजेंट है वोमेन पीस कीपिंग, ठीक है, एक पूरी की पूरी फोर्स है वोमेन की इंडिया की, उसको यूनाइटेड नेशन ने कहाँ पे डिप्लॉय किया है, सूडान में डिप्लॉय किया है। और सबसे पहले और फर्स्ट ऑल वोमेन जो कंटिजेंट है वो लाइबेरिया 2007 में जो है वो डिप्लॉय
की थी। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि 1948 में हमने इसको स्टार्ट किया था कि हम पूरे वर्ल्ड से कुछ एक सोल्जर्स आएंगे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में उनको रिजर्व रखेंगे, फिर यूनाइटेड नेशन इनको किसी भी देश में भेज सकता है वहाँ पे शांति लाने के लिए, ताकि वहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए। तो इस बार इंडिया की एक वुमेन कंटिजेंट है, ठीक है, वो जो है कहाँ पर रखी है, सूडान में भेजी है। किसने भेजी है? यूनाइटेड नेशन ने। द फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, फर्स्ट एवर पहला है ये नेशनल जीनोम एंड एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर, जो कहाँ पे इनोग्रेट किया है, दैट इज़ डी मोहाली। इसका मतलब क्या होता है? जीनोम, जीनोम का मतलब होता है जीन्स, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज करो कि लेट अस सपोज हम एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एग्रीकल्चर में एप्पल आता है, ठीक है, और ये एप्पल कहाँ पे होता है? एप्पल होता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, जो ठंडे ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे ये होता है। बट इसके जो जीन्स हैं, सपोज करो हमने इसको किसी गर्म इलाके में उगाना हो एप्पल को, तो हम क्या करेंगे, इसके जो बीज हैं उसको लेंगे, उसमें उसके जीन्स में हम कुछ चेंज करेंगे, साइंटिफिकली हम कुछ ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है, उसमें इस तरह की चेंज करेंगे कि ये जो एप्पल है इसको हम किसी भी वेदर कंडीशन में उगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसको ये कहाँ पे खोला है? ये खोला है मोहाली में, ठीक है, और कहाँ पे खोला है? एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि मोहाली में है, पंजाब में, चंडीगढ़ के पास है मोहाली। सो नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ फैसिलिटी एंड सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर अडोप्शन ऑफ जीनोम एडिटिंग एंड मेथड्स जीनोम मॉडिफिकेशन, मतलब कि जो भी हमारे पास क्रॉप होगी उसको हमने किसी डिफरेंट कंडीशन में उगाना है, ठीक है, उसके क्लाइमेट का कोई चेंज ना हो, जैसे हमारे पास कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो जाए तो उसका उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट कंडीशन का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह के चेंज हमने उनके जीन्स में करने हैं क्रॉप्स के, ताकि जो फार्मर्स है उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और इंडिया को भी ज़्यादा नुकसान ना हो ग्रेन और फूड के मामले में। तो ये पहला नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया है? मोहाली, पंजाब में। द क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, ठीक है, पहली ऐसी स्टेट कौन बनी है इंडिया की जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग स्टेट जो है बन गई है, दैट इज सी केरला। तो केरला बहुत ही ज़्यादा आगे हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहली पहली बार हुई है, लाइक स्टेट हैविंग देयर ओन OTT प्लेटफॉर्म, जिस तरह से अमेजन OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मूवीज़ वगैरह आती हैं या फिर बहुत सारी वेब सीरीज़ आती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, उसी की तरह इन्होंने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम है सी स्पेस, ठीक है। स्टेट हैविंग देयर ओन इंटरनेट सर्विस, दैट इज़ के फोन, हमारे पास केरला में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट बर्ड एटलस, वो भी केरला में है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री, दैट इज़ ऑल्सो केरला। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर, वो भी केरला में खुल रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केरला में पहली बार जो है पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट नहीं कर पाई है, केरला कर पाई है। तो उसमें से एक और जोड़ लो कि फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग, मतलब कि जितने भी बैंक हैं वो पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं, कौन सी स्टेट ऐसी बनी है, दैट इज़ केरला। तो आपको पता है कि केरला का जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है उसका नाम है के फोन प्रोजेक्ट, जो कि स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ ए जॉइंट वेंचर बिटवीन केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सिटिल एंड केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये दोनों मिल के जो है के फोन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से होगा कि यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और जो इंटरनेट का खर्चा आएगा ना वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो इसी के चलते क्या हुआ, जो बैंकिंग है जितने भी डिजिटल बैंक्स हैं केरला में वो सारे के सारे फुली डिजिटल हो गए हैं, ठीक है। के फोन विल एंश्योर द इंटरनेट फैसिलिटी एवरीवन इन द स्टेट एंड 17,155 किलोमीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो है वो बिछाया जाएगा पूरे के पूरे केरला में। तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है। द्रौपदी मुर्मू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ SJVN 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन, दैट इज़ ए बीकानेर। बीकानेर कहाँ पे है? ये इट इज़ इन राजस्थान। तो वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने SJVN का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1000 मेगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो द डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, इस जो बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसकी जो कॉस्ट है वो है 5,492 करोड़ एंड
मतलब कि 1 मेगावाट के लिए 44.72 लाख जो है वो खर्च किए जाएंगे, मतलब कि टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा 5,492 करोड़ रुपए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्च 2024 में बिजली देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, आफ्टर द कमीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। 2,454.55 मिलियन यूनिट्स जो है वो पहली साल में जो है वो बनाई जाएगी एंड अप्रोक्सीमेटली 56,838 MU मीट्रिक यूनिट जो है वो जनरेट होगी पूरे 25 सालों में। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एडवांसमेंट होगी किसके लिए, सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। अगर हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम जो कार्बन न्यूट्रल हैं, हमारी जो कार्बन न्यूट्रल बनाने की जो टारगेट रखा है 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो हम ईजिली बन सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट है ना, हमारा जो टारगेट है 2030 तक हमने 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो बनानी है, ठीक है। किससे, रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जिससे कोई भी कार्बन एमिशन ना हो। तो इस तरह का हमने, इस तरह का अगर हम इसी तरह के प्रोजेक्ट और लगाएंगे तो हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ जो है वो, अपने टारगेट की तरफ जो है वो बड़ी जल्दी से जा सकते हैं। हु इज़ कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ठीक है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसको जो है अवार्ड दिया जा रहा है, दैट इज़ DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे 50th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है DY चंद्रचूड़, उनको ये अवार्ड मिल रहा है। और 49th जो हमारे पास चीफ जस्टिस हैं वो थे, कौन थे, UU ललित, ठीक है। हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल, जो हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल है वो ये देता है ये वाला अवार्ड, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किस फील्ड में, लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन मतलब कि जो एडवोकेट्स हैं, जो जजिस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनके लिए ये अवार्ड होता है, ठीक है। उनको जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को, जो आजकल के हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया अपने लीगल प्रोफेशन में, काफ़ी ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हैं पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जा जा के इन्होंने सारा काम जो है ये किया है। लीगल प्रोफेशन जो है इन्होंने अपनाया है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है काम किया है लीगल सर्विसेज में। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिलेगा 11 जनवरी 2023 को, किस में, वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। विच कंपनी हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन सर्विस सेक्टर इन PE सर्वे 2021-22। तो PE सर्वे का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। इसके अंडर एक सर्वे हुआ था 2021-22 में, तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो है, सर्विस सेक्टर में जो है सबसे पहले नंबर पर जो कंपनी है वो, उसका नाम है पावर ग्रिड, ठीक है। पावर ग्रिड सबसे पहले नंबर पे है सर्विसेज में, अक्रॉस ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज है, लाइक ग्रॉस ब्लॉक, वैल्यू एडिशन, नेट प्रॉफिट में, नेट वर्थ में, तो ये सारे के सारे में जो पावर ग्रिड है वो पहले नंबर पे है। और ये तीसरे नंबर पे है किसमें, टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। पूरी की पूरी जो प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है वो उसमें ये तीसरे नंबर पे है। और ओवरऑल जो सर्विस सेक्टर है उसमें ये पहले नंबर पे है, इसका नाम है पावर ग्रिड। और ये एक तरह की क्या है, ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। अभी हमारे पास 11 महारत्न कंपनी है और 12th जो हमारे पास अभी ऐड हुई है उसका नाम है REC, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये 12th है, तो 12 हमारे पास टोटल महारत्न कंपनीज है। केशरी नाथ त्रिपाठी, जिनकी अभी डेथ हुई है, ही वॉज क्या थे ये, ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के, ये फॉर्मर गवर्नर थे, ठीक है। ये यूपी से बिलोंग करते हैं, इनकी अभी भी डेथ हुई थी। तो ये सीनियर एडवोकेट थे, कहाँ पे, अलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के बाद ये 6 बार जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए, ठीक है। ही रिप्रेजेंटेड द झांसी सीट बिटवीन 1977 to 80 एंड अलाहाबाद सीट फॉर द 5 consecutive टाइम, ठीक है। तो ये 6 बार जो है MLA बने थे, ठीक है। उसके बाद ये स्पीकर भी बने हैं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 बार, 1991 to 2004 तक, ठीक है। अभी क्या, उसके बाद जब इन्होंने पॉलिटिक्स से रिज़ाइन के लिए, रिज़ाइन नहीं, एक तरह का स्पीकर बन गए थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2014 में इनको जब मोदी जब सरकार आई थी तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने इनको गवर्नर बना दिया वेस्ट बंगाल का, ठीक है, वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना दिया। और इसके बाद क्या हुआ, और दो बार ये और इनको एडिशनल चार्ज भी मिला है बिहार का गवर्नर के लिए, मेघालय का भी और मिजोरम का भी। तो ये एक्स गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के और यूपी के एमएलए थे, ठीक है, कितने बार, 6 बार के एमएलए, और यूपी के जो स्पीकर है यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के उसके स्पीकर भी रह गए हैं 3 बार। तो इनकी अभी अभी क्या होगी, डेथ हुई है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ किक्ड ऑफ इन, आपको पता है कि इंटरनेशनल जो काइट फेस्टिवल है, ठीक है, पतंग का जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे हो सकता है, वो आपको पता है गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आंसर इज ए अहमदाबाद गुजरात में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, G20, जो G20 की थीम है उसी के बेस पे हम इसको कर रहे हैं, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। गुजरात टूरिज्म इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद। सो अहमदाबाद के अलावा कहाँ पे भी ये स्टार्ट हो रहा है, सूरत में, वडोदरा में, राजकोट में, द्वारका, सोमनाथ, ढोरटो एंड केवड़िया, तो इन सारी की सारी सिटीज़ में ये जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें अपने ध्यान रखना है 68 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, इस इवेंट में, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के बारे में। इसको हम पहले बोलते थे उत्तरायण या मकर संक्रांति, ठीक है, गुजरात की जो मकर संक्रांति होती है उसको उसका इसका नाम दिया जाता था, अब इसको इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बोलते हैं। तो जनवरी 14 को ये मनाया जाता है, कब से, 1989 से हम इसको मना रहे हैं, 33 ईयर्स इसको हो गए हैं। द काइट फ्लाइंग इज लेड फ्रॉम अहमदाबाद, सो अहमदाबाद से ये फेस्टिवल जो है हर बार स्टार्ट किया जाता है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो US की जो पार्लियामेंट होती है उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, एक होती है सीनेट। तो सीनेट होती है ना, जो हम सीनेट होती है ये बोलते हैं राज्यसभा को सीनेट, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम बोलते हैं क्या, लोकसभा। तो इनकी जो लोकसभा है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इनकी जो राज्यसभा है इनको बोलते हैं सीनेट। अब इनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, मतलब कि जो इनकी लोकसभा है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर होता है। तो वहाँ पे जो स्पीकर थी वो थी नैन्सी पेलोसी, आपने इनका नाम याद रखना है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी कहाँ पे गई थी अभी कुछ दिन पहले, ताइवान गई थी, और इसके पीछे क्या हो गया था, चाइना काफ़ी भड़क गया था कि ये ताइवान पे क्यों गई है, ठीक है। तो ये नैन्सी पेलोसी को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये 57 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, नैन्सी पेलोसी को, और जो नैन्सी पेलोसी थी ना वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, ठीक है। अब USA में मेनली दो पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना उसके हैं बाइडन, ठीक है, जो बाइडन डेमोक्रेटिक से हैं, और जो रिपब्लिक पार्टी है, ठीक है, उसमें है ट्रंप, ठीक है। तो आपने याद रखना है बाइडन है ट्रंप। तो नैन्सी पेलोसी किसकी थी, ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी की। अब जो केविन मैकार्थी आ गए हैं ये आए हैं रिपब्लिक पार्टी के, तो ये नए स्पीकर बने हैं, ठीक है। और ये जो स्पीकर की पोस्ट होती है ना, ये तीसरे नंबर की सबसे मोस्ट पावरफुल जो पोजीशन होती है, आफ्टर सबसे पहले जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस है, और थर्ड नंबर पे आती है मोस्ट सीनियर यूनाइटेड स्टेट की पोजीशन, वो है केविन मैकार्थी की, क्या, स्पीकर की, ठीक है। तो मैकार्थी जो है 9 बार जो है ये एमपी चुने गए हैं US पार्लियामेंट में, 9 टाइम्स, ठीक है। और जो आपको पता ही है कि जो सीनेट है वो बोलते हैं अपर हाउस को, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं इंडिया में लोअर हाउस, एंड USA में बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस साइंस -- फॉर न्यू कैंपेन, दैट इज सूर्य कुमार यादव, आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है सूर्य कुमार यादव। तो उन्होंने क्या किया है, ICICI वालों ने प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो है इन्होंने इनको साइन किया है, ठीक है। उनका नाम है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। ICICI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वडोदरा में। ICICI के बैंक हेड MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक के चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। वो वन ओवरऑल चैम्पियनशिप एट यूथ फेस्टिवल, ठीक है, जो ओवरऑल चैम्पियनशिप है यूथ फेस्टिवल में वो किसने जीता है। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 36th इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल जो है वो हो रहा है कहाँ पे, तिरुपति में, ठीक है, ये तिरुपति में हो रहा है।
तो यहाँ पे जो ओवरऑल चैम्पियनशिप है वो किसने जीता है, वो जीता है केरला यूनिवर्सिटी ने। तो आपने इनका नाम याद रखना है, ये जीता है केरला यूनिवर्सिटी ने, दैट इज़ 36th इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पे, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय इन तिरुपति, तिरुपति में ये आयोजन हो रहा था। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन रहा है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कोट्टयम है वो दूसरे नंबर पे रही है। तो आपने ये याद रखना है कि केरला यूनिवर्सिटी इसमें पहले नंबर पे आई है। अब केरला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट केरला, जिसके पास अपना OTT प्लेटफॉर्म है वो है केरला, उसका नाम है सी स्पेस। कौन सी स्टेट है जिसके पास अपना इंटरनेट है, के फोन, दैट इज़ केरला। फर्स्ट वर्ल्ड एटलस केरला का ही है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फर्म इन द कंट्री केरला। एंड फर्स्ट स्टेट, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे खुल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इन केरला। इंडिया आइडेंटिफाइज 2 लिथियम एंड 1 कॉपर माइन इन विच कंट्री, दैट इज़ ए अर्जेंटीना। तो इंडिया के जो माइनर्स हैं वो कहाँ पे गए हैं, वो गए हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आता है अर्जेंटीना। तो वहाँ पे इंडिया ने 2 लिथियम माइंस और 1 कॉपर माइन, ठीक है, वो फाइंड आउट किए हैं कहाँ पे, अर्जेंटीना में, जो कि साउथ अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास तीन जियोलॉजिस्ट की जो टीम है, ठीक है, वो गई है कहाँ पे, अर्जेंटीना में। उसमें से जो वन जियोलॉजिस्ट है उनका नाम है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। दूसरा है काबिल, काबिल मतलब कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, मतलब कि जो इंडिया की एक कंपनी है जो कि और देशों में जाके खनिज पदार्थ को ढूंढेगी, ठीक है। तीसरा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनसे कुछ एक मेंबर गए थे अर्जेंटीना, उनको वहाँ पे क्या मिला है, 2 लिथियम माइंस मिली है, 1 कॉपर माइन जो है वो मिली है। अब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 2019 में बना था, अगस्त 2019 में। क्यों बना था, ताकि हम किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे खनिज पदार्थ को खोज सके, ठीक है। लिथियम, अब लिथियम किसके यूज़ आता है, लिथियम यूज़ होता है रिचार्जेबल बैटरीज, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें जो बैटरीज यूज होती है वो भी लिथियम की यूज़ होती है, क्योंकि इसका साइज भी छोटा होता है और इसका जो वेट होता है वो भी छोटा होता है, ठीक है। दीज बैटरीज आर यूज फॉर द पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप में भी यूज होता है, मोबाइल फोन्स में भी आजकल हम यही यूज़ करते हैं। सो हु वॉन द सिंगल टाइटल एट महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन पुणे, पुणे में महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट हो रहा था, जो कि ATP वर्ल्ड टूर जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा था। इसमें जो सिंगल जीता है वो जीता है टैलन ग्रिस्कपुर ऑफ द नीदरलैंड, तो ये नीदरलैंड के हैं, इन्होंने इसको जीता है, ठीक है। इन्होंने फाइनल में फ्रांस के बेंजामिन बोंजी को हराया था, और इनका पहला ATP वर्ल्ड टूर टाइटल जो है इन्होंने ये जीता है, और इन्होंने ये पहली बार जीता है। तो आपने याद रखना है, क्योंकि ये इंडिया में हुआ है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुणे, तो आपने इसका नाम याद रखना है, टैलन ग्रिस्कपुर, उन जो कि नीदरलैंड के हैं, उन्होंने इसको जीता है। विच कंट्री टू होस्ट वर्चुअल समिट ऑफ 120 कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ये जो होस्ट करेगा वो करेगा इंडिया, ठीक है। G20 की प्रेसिडेंटशिप किसके पास है आजकल, इंडिया के पास है, तो प्रेसिडेंट आजकल इंडिया है G20 का। तो उसी के चलते क्या हुआ, इंडिया को ये वर्चुअल समिट मिली है, जिसमें 120 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। और इस समिट का नाम है ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, जो कि इंडिया इसको होस्ट करेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इस समिट का नाम है, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इसमें 120 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी, जनवरी 12-13 को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रा, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। 120 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस ग्रुप, और आपको पता है कि G20 ग्रुप में हम आजकल क्या है, आजकल हम प्रेजिडेंट हैं। सानिया मिर्जा हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, दैट इज़ डी टेनिस। तो आपको पता है कि जो सानिया मिर्जा है वो टेनिस से रिलेटेड है, आजकल टेनिस खेलती हैं, टेनिस प्लेयर है इंडिया की, और ये 36 ईयर्स ओल्ड है, और ये फॉर्मर डबल्स में ये वर्ल्ड की नंबर वन भी प्लेयर रह चुकी है, ठीक है। इन्होंने रिटायरमेंट कर दी है फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस से। उनका जो दुबई टेनिस चैम्पियनशिप 2023 में आएगा, फरवरी 2023 में, वो ये लास्ट खेल
मिलेगी और उसके बाद ये क्या करेगी, अपने रिटायरमेंट ले लेगी। अभी तक इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इनकी अचीवमेंट है कि उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं डबल्स में, ठीक है, 6 ग्रैंड स्लैम। तो पहला ग्रैंड स्लैम महेश भूपति के साथ मिलकर, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ने 2009 में जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल टाइटल, और उसके बाद फ्रेंच ओपन भी 2012 में इन्होंने जीता था। शी वॉज रैंक इंडिया की ये नंबर वन सिंगल प्लेयर है फ्रॉम 2003 से लेके 2013 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिंदी डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन दैट इज सी 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में इसी दिन, ठीक है, 10 जनवरी के दिन यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था, हमने हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है, हिंदी भाषा जो है वो प्रयोग में लाई गई थी, तभी हम इसको मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। अब हिंदी दिवस जो हमारे पास नेशनल हिंदी दिवस आता है वो आता है 14 सितंबर को। वो क्यों आता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना रहे थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में ये लिखा गया था कि जो हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी इंडिया की, तभी हम नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन में पहली बार जो है, जो भी भाषण है या फिर जो भी यूज़ है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का, वो इसी दिन हुआ था 10 जनवरी को। तो इसी के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को, ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ऑन दिस डे हिंदी वॉज स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। इट वॉज ऑन द 1975 फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस है 1975 में ऑर्गेनाइज की थी, कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र में, आपने ये याद रखना है। इस बार जो कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे पास 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है ना, वो कहाँ पे हो रही है, इस बार फिजी में हो रही है, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। और इसका जो थीम है वो है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम 10th to 16th of January 2023, दैट इज़ ए DPIIT, ठीक है। DPIIT क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ठीक है। आपको पता है कि 16 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, 16 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। तो तभी हम स्टार्टअप वीक भी मना रहे हैं 10 से लेके 16 जनवरी को, ठीक है। तो DPIIT का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, आपने इसका नाम याद रखना है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ये किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर ये आता है, ठीक है। इसका एम क्या है, इसका एम तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि स्टार्टअप से रिलेटेड है, ठीक है। टू एंगेज द स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब कि एक स्टार्टअप्स को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, उसका एक इकोसिस्टम डेवलप करना है पूरे के पूरे इंडिया में, ठीक है। 10 जनवरी से 16 जनवरी को जितने भी लोग आएंगे उनको प्रमोट करना है, उनको उनके अंदर ये भाव पैदा करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप और इनोवेशन जो है हमारे पास इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया नेशनल जो स्टार्टअप डे है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव है ना, वो 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था, तभी स्टार्टअप डे जो है हम 16 जनवरी को मनाते हैं। आपने इसका नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 16 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे। किलाउई वोल्केनो इरप्ट्स अगेन, इट इज़ लोकेटेड इन दैट इज़ बी हवाई आइलैंड। तो USA का जो हवाई आइलैंड है वहाँ पे किलाउई जो वोल्केनो है वो फिर से इरप्ट हो गया है, ठीक है। कब इरप्ट हुआ है, January 5 को इरप्ट हुआ है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट की जो जियोलॉजिकल सर्विस है उन्होंने बोला है कि इसमें से बहुत सारा लावा जो है वो बाहर निकल रहा है, और ये लावा कहाँ पे निकल रहा है, हवाई आइलैंड के जो हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क है वहाँ पे ये लावा वगैरह निकल रहा है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कुछ और गैसेज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को, और ये ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो कर रही है। और जो किलाउई वोल्केनो है, इट इज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज़ इन हवाई आइलैंड USA। -epic ड्रामा RRR विंस द बेस्ट सॉन्ग एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2023 का है उसमें बेस्ट सॉन्ग जो है RRR का एक गाना जो है उसको बेस्ट सॉन्ग जो डिक्लेयर कर दिया गया है। उस गाने का नाम क्या है, उस गाने का नाम है नट्टू नट्टू,
ठीक है, तो इसको मिला है बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। और ये जो गाना है ना, ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ है, तो आपने याद रखना है, ये ऑस्कर के लिए भी ये गाना नॉमिनेट हुआ है। और मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है उसका नाम है शैलो शो, जो कि गुजराती मूवी है इंडिया की। सो आंसर इज बी, दैट इज आंसर बी है इसका, नट्टू नट्टू। ठीक है, कंपोजर कौन है, MM कीरावनी, अलॉन्ग विद सिंगर कौन है, काला भैरवा एंड राहुल स्प्लीगंज, इन्होंने इसको गाया है। हैज़ वोन द गोल्डन ग्लो फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है, फ्रॉम द टैक ट्रैक दैट इज नट्टू नट्टू। कौन सी मूवी से है, RRR जो मूवी है उस मूवी से ये है। तो यहाँ पे बहुत सारे गाने थे, जैसे कैरोलिना, टेलर स्विफ्ट का कैरोलिना, ठीक है, सियाओ पापा, और लेडी गागा का होल्ड माई हैंड। तो ये सारे के सारे गाना जो है इस अवार्ड की रेस में थे, बट जो जीता है वो जीता है नट्टू नट्टू, जो कि इंडिया का गाना है। सो अबाउट RRR, RRR एक मूवी है जो कि साउथ साउथ इंडिया की एक मूवी है, उसको SS राजामौली ने इसको डायरेक्ट किया है, RRR मूवी। ठीक है, इसमें जो एक्टर्स है वो है अल्लूरी सीतारामन रज्जू एंड कुमरन भीम, जो कि एक 1920 के ऊपर, ठीक है, 1920 के टाइम की ये मूवी है, ठीक है, वहाँ की ये घटना थी उसको लेके ये मूवी बनाई गई है। ठीक है, इंडिया के जो रेवोल्यूशनरी है अल्लूरी सीताराम रज्जू और कोमरान भीम, उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। इसमें जो स्टार्स हैं वो है रामचरण एंड जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन भी इसमें आपको दिखेंगे। तो RRR ये मूवी है, और इसका जो गाना है दैट इज़ नट्टू नट्टू, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है। जो क्रिकेट लेजेंड है MS धोनी रिलीज इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, दैट इज़ डी, KK अब्दुल गफ्फार। ठीक है, KK अब्दुल गफ्फार जो है एक टेक्नो एजुकेशनलिस्ट है, प्रोफेसर है KK अब्दुल गफ्फार, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है नजान साक्षी। नजान साक्षी मतलब कि मी एज द विटनेस, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसके जो क्रिकेट लेजेंड है महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। आप इसका नाम इस तरह से भी याद रख सकते हो कि MS धोनी की वाइफ का नाम है साक्षी, ठीक है, तो उसी के नाम पे आपने निजान साक्षी याद रखना है। इन्होंने इसको रिलीज़ किया है, और KK अब्दुल गफ्फार की ये ऑटोबायोग्राफी है। अब कुछ और बुक्स हैं 2022 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है। शेन वॉटसन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन टू ऑफ यू टू क्रिकेट, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिलीज़ की एक बुक, उसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स। सूबेदार जो मेजर यादव है उन्होंने लिखी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। JJ सिंह ने लिखे है द मैकमोहन लाइन। डॉक्टर सोनू फोगर ने लिखे अष्टांग योगा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति ईरानी ने लिखी है लाल सलाम। शशि थरूर ने लिखे प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री। एंड राजेश तलवर ने लिखे द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गीतांजलि श्री ने लिखे टॉम्प ऑफ सैंड, जिसको बुकर अवार्ड भी मिला, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। एंड किरण बेदी ने लिखे फीरलेस कमेंट, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। एंड दलाई लामा की है जो डेसमंड टैटू है, उनकी जो बुक है उनका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। विच स्टेट सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल चिरचिरा फेस्टिवल, दैट इज़ सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करती है, इसका नाम है चिरचिरा फेस्टिवल। जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेश बघेल, उन्होंने सेलिब्रेट किया है चिरचिरा फेस्टिवल कहाँ पे, दुधाधारी मठ इन रायपुर छत्तीसगढ़ में ये फेस्टिवल जो है मनाया गया था। ठीक है, ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कि जब फुल मून लाइट हो, मतलब कि जब चांद पूरा का पूरा दिखे, ठीक है, पूर्णिमा जब होती है पौष महीने में, हिंदू कैलेंडर में जो पौष महीना होता है उस दिन, जो उस महीने में जो फुल मून होता है ना, पूरा चांद निकलता है, उस दिन ये फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, द हैप्पीनेस एंड जॉय, ठीक है, किस क्यों हैप्पी क्यों होते हैं लोग, क्योंकि उस दिन क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं ना खेतों में, जो क्रॉप्स वगैरह होती है, जो भी बीजा होता है, ठीक है, वो काट के अपने घर लेके आते हैं, तो उसी के बेस पे ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, चिरचिरा फेस्टिवल। अब कुछ और फेस्टिवल्स हैं छत्तीसगढ़ के, लाइक मदाई फेस्टिवल, तीजा फेस्टिवल, पोला, रजिम कुंभ मेला और हरेली फेस्टिवल। हरेला जो है वो है उत्तराखंड का, और हरेली है छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल। 120 फीट टॉल पोलो स्टैच्यू इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह इन, दैट इज सी, मणिपुर। तो मणिपुर में अमित शाह जो है हमारे पास है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो स्टैच्यू है पोलो खेलते हुए एक इंसान का फोटो, ठीक है, पोलो क्या होता है, घोड़े पे बैठ के एक इंसान एक डंडा जैसा लेता है, तो एक बॉल होती है उसको आगे आगे धकेलना होता है, वो होता है पोलो।
ठीक है, तो उन्होंने यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास है अमित शाह, उन्होंने 120 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ पोलो प्लेयर राइडिंग ए पोलो एट मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स इन इम्फाल मणिपुर में इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अभी आपको ये जान के वो होगा कि जो पोलो गेम है ना, ये ओरिजिनेट भी मणिपुर से ही हुई है। कब? जो हमारे पास चेथरोल कुम्बाबा थे, ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? ये जो डायनेस्टी थी ये थी मणिपुर की डायनेस्टी। ठीक है, और ये जो है 33 AD के आसपास जो है ये वहाँ के राजा थे, वहाँ की डायनेस्टी थी, और ये जो है ये वाली गेम खेलते थे। ठीक है, पोलो गेम, इस गेम का नाम था सगोल कांगजेई और कांगजेई बीजी और पुलु, इसको ऐसा बोलते थे। ठीक है, ओल्डेस्ट पोलो ग्राउंड भी यहीं पे है, इम्फाल पोलो ग्राउंड इन मणिपुर, जहाँ पे क्या किया गया है, ये 120 फीट टॉल जो पोलो का स्टैचू है वो इनेगुरेट किया गया है। किसने? होम मिनिस्टर जो हमारे पास है अमित शाह, उन्होंने इसको इनेगुरेट किया है। अब CM कौन है मणिपुर के? दैट इज़ एन बीरेन सिंह। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उन्होंने एक डाटा रिलीज़ किया है, उसमें से टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इंडिया में कौन सी स्टेट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस स्टेट में आ रही है, दैट इज़ ए गुजरात पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है राजस्थान। सो गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है। किस में आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है गुजरात में और दूसरे नंबर पे आ रही है राजस्थान में। तो गुजरात में आने की वजह क्या है? क्योंकि गुजरात जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है, ठीक है, और फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस है। ठीक है, इट होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनिंग हब, कहाँ पे? जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास गुजरात में आई है 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, दैट इज़ 3.98 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है, जो कि 273% ज़्यादा है 2021 से। ठीक है, 2021 में था 2.91, ठीक है, ट्रिलियन रुपीज़, बट 2022 में कितना आया है? 3.98 ट्रिलियन रुपीज़ आया है, जो कि 273% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात हमारे पास टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है इंडिया का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, और दूसरे नंबर पे रहा है हमारे पास राजस्थान। व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2023? तो 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन क्या था, इस दिन जो हमारे पास इंडियन फिजिसिस्ट है, उनका नाम है सर सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की जो है खोज की थी, और उनको क्या मिला था, इस पे नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में इस डिस्कवरी के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, तभी नेशनल साइंस डे जो है मनाते हैं 28 फरवरी को। तो इस बार जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, मतलब कि जो साइंस है पूरे के पूरे वर्ल्ड की साइंस है, वो हमने किसके लिए करना है? ग्लोबल जो इश्यूज है उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ करना है उसका, और प्रमोटिंग द वेलबींगनेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड, मतलब कि जितने भी पूरे का पूरा वर्ल्ड है उसकी भलाई के लिए हमने साइंस का यूज़ जो है वो करना है, ये इसका इस बार का थीम है। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे जो है सबसे पहले 1986 में मनाया गया था। ठीक है, किसने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? वो की थी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस, NCSTC, इन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम नेशनल साइंस डे मनाएंगे। कब? 28 फरवरी को, और ये कब रिक्वेस्ट की थी? 1986 में, और 1986 में पहली बार जो नेशनल साइंस डे मनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है वो कहाँ पे की है इस बार लॉन्च? दैट इज़ इंदौर में, इंदौर में इसका इनॉग्रेशन किया है, और वहाँ पे आपको पता है कि दो प्रेसिडेंट किसी और कंट्रीज़ के, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम दैट इज़ चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और जो दूसरे प्रेसिडेंट है वो है गुयाना के प्रेसिडेंट, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो ये दो प्रेसिडेंट जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, दैट इज़ सूरीनाम के प्रेसिडेंट और कहाँ पे? गुयाना के प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेजेंट थे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होता हमारे पास कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में आए। ठीक है, दैट इज़ द थीम ऑफ द टू डे समिट, इस दो दिन का समिट है, इसका जो थीम था वो है मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट।
ठीक है, ये इसका क्या था, थीम था, ठीक है। और हमने क्या बनाना है, हमने इस जो समिट था इसका मेन मेन बेसिक मेन प्रोपेगेंडा ये था कि हमने कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट स्टेट जो है हमने बनाना है मध्य प्रदेश को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे, शो केसिंग द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट में हमारे पास कितने इंडस्ट्रीज हैं, किस तरह का इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ठीक है। प्रोमोटिंग द स्टेट पॉलिसीज, जो स्टेट में पॉलिसीज हैं इंडस्ट्रीज को लेके उसको शोकेस करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, दैट इज़ इंदौर मध्य प्रदेश में ये लॉन्च किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। अमित शाह इनॉग्रेटेड जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, ठीक है। जय हिंद एक द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है, जो कि रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, इसको लाल किला जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। कब, ऑन 10th of January 2023, ठीक है। इसका नाम है जय हिंद नए प्रकाश और ध्वनि प्रोग्राम और लाइट एंड साउंड शो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो ये प्रोग्राम होगा ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा, ठीक है। लाइट्स होगी, साउंड होगा, जिस तरह से डिस्को वगैरह होते हैं ना, इस तरह का लाइट एंड शो, तो इस तरह का ये होगा रेड फोर्ट में। और इसमें जो हिस्ट्री के लोग हैं, हिस्ट्री के लोग हैं उनकी ब्रेवरी को, ठीक है, दिखाया जाएगा, जो कि 17th सेंचुरी के लोग हैं उनकी ब्रेवरी को दिखाया जाएगा, ठीक है। इंडिया के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस, जो पहला इंडिपेंडेंस है 1857 में, जो मराठा का राइज हुआ था उस टाइम, और जो इंडिपेंडेंस का जो पहली बार जो युद्ध हुआ था 1857 की, क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके बारे में भी ये बताएंगे यहाँ पे। तो ये सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में हो रहा है। अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया है और इसका नाम है जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, मतलब कि जय हिंद नया प्रकाश और नया ध्वनि प्रोग्राम। सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ पृथ्वी 2 इज़ डन एट डैश डैश बाई DRDO। सो DRDO जो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी 2 एक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है। कहाँ से लॉन्च की है, दैट इज चांदीपुर उड़ीसा से ये लॉन्च की है, ठीक है। जो ये पृथ्वी 2 है ना, ये हमने खुद बनाई है, इंडिया की, इंडिया इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। आपने याद रखना है ये सरफेस टू सरफेस है पृथ्वी, और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है SRBM, ठीक है। इसकी जो रेंज है ना वो है 250 से 350 किलोमीटर के आसपास तक ये जा सकती है, और ये 1 टन तक जो है पेलोड इसके अंदर हम डाल सकते हैं, और ये न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में भी सक्षम है, ठीक है। पृथ्वी 2 एक क्लास है, सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड होता है इसमें, सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल होता है इसमें, ठीक है, उसके बेस पे ये चलती है, और ये टारगेट को हिट कर सकती है वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट को हिट कर सकती है। अभी हमने क्या किया था, IGM-DP हमारे पास एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड हमारे पास एक मिसाइल सिस्टम है, जो कि 1983 में हमने लॉन्च किया था। इसके अकॉर्डिंगली हमने 5 मिसाइलें बनाई थी, ठीक है। पटना, इसका आप नाम याद रखना है, PATNA, पी से पृथ्वी, ठीक है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ए अग्नि, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि अग्नि 5 भी हमने लॉन्च कर दी है, ठीक है, अग्नि 5, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज आई है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसके हमने 5 वेरिएंट जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। पृथ्वी के दूसरा है पहला और ये दूसरा है, ठीक है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। आकाश इज़ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपने ये 5 याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू होल्ड स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट ऑफ 3 बैंक्स फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या हो रहा है, एक ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जब भी ट्रेड होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो भी ट्रेड होगा वो रुपीज़ में होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ श्रीलंका को चाहिए तो उनको रुपीज़ देने पड़ेंगे इंडिया को, ठीक है। अगर इंडिया को कोई भी चीज़ श्रीलंका से खरीदनी है तो वो रुपीज़ में ही खरीदेगी, तो मतलब कि सारा का सारा ट्रेड अब रुपीज़ में होगा। उसके लिए एक वोस्त्रो अकाउंट होता है, इंडिया का एक बैंक है जिसका नाम है इंडियन बैंक,
ठीक है, उन्होंने तीन बैंक है, श्रीलंका के तीन बैंक है, ठीक है, उन उन सब ने ज्वाइंट एक वोस्त्रो अकाउंट खोला है, ठीक है, वोस्त्रो अकाउंट खोला है जिसके थ्रू वो सारी पेमेंट करेंगे रुपीज़ में। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले ट्रेड होता था कि इंडिया ने अगर कोई चीज़ श्रीलंका से ख़रीदनी है तो इंडिया को श्रीलंका को डॉलर देने पड़ते थे, या श्रीलंका को इंडिया को कोई भी चीज़ ख़रीदनी है या श्रीलंका को तो श्रीलंका को इंडिया को डॉलर्स देने पड़ते थे। बट अब क्या होगा, अब रुपीज़ में ट्रेड होगा, ठीक है, डॉलर्स को इन्होंने यहाँ से बी से हटा दिया है। और इसी तरह की डील हमारी इंडिया और रशिया के बीच में भी हुई है, ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में भी रुपीस में ट्रेड होगा। इसके लिए यूको बैंक ने किसके साथ, इंडिया का जो यूको बैंक है और रशिया के कुछ एक बैंक्स हैं, उन्होंने आपस में एक वोस्त्रो अकाउंट खोला है, ठीक है, यूको बैंक के साथ इंडिया रशिया, और इंडियन बैंक के साथ कौन है, इंडिया एंड श्रीलंका। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस में देखिए जो जनगणना है वो हुई है कास्ट बेस्ड, मतलब कि कौन सी कास्ट से कितने लोग हैं वो सारा का सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, दैट इज़ बिहार, ठीक है, बिहार में। इसमें किसी काउंटिंग होगी कि जनरल में कितने लोग हैं, एससी में कितने लोग हैं, एसटी में कितने लोग हैं, ओबीसी में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने परिवार हैं, ठीक है, ये सारा का सारा कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है पहली बार जो स्टेट इंडियन स्टेट है दैट इज़ बिहार, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। 2 जून 2022 को ये डिसाइड हुआ था कि हम कास्ट बेस्ड जो है वो सेंसस पूरे बिहार में लेके आएंगे। अब बिहार से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ है, जो पंकज त्रिपाठी है, नेशनल आइकन फॉर बिहार, बिहार में जो इलेक्शन हो गए ना उसके लिए नेशनल आइकन है पंकज त्रिपाठी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है। कंट्रीज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, पहली एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना बिहार में है। कंट्रीज़ लार्जेस्ट रबर, सबसे बड़ा जो रबर डैम है वो है गयाजी डैम, और वहाँ पे एक स्टील ब्रिज भी है फाल्गु रिवर के ऊपर, ये बना हुआ है, इसका नाम है गयाजी डैम, आपने ध्यान रखना है। सीएम ऑफ बिहार दैट इज़ नीतीश कुमार, गवर्नर ऑफ बिहार दैट इज़ फागू चौहान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट सीएमडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये एक पीएसयू है, पीएसयू मतलब इंडिया इसको ऑन करती है, ठीक है, इसके जो सीएमडी बने हैं दैट इज सी अनुराग कुमार, तो अनुराग कुमार इसके सीएमडी बने हैं। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, लाइक एमडी एंड सीईओ पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक दैट इज सुरेंद्र चावला को बनाया गया है, एक्टिंग सीवीसी ऑफ इंडिया दैट इज पीके श्रीवास्तव, चेयरमैन ऑफ एनएचएआई संतोष कुमार यादव, सीईओ ऑफ एफएसएसएआई दैट इज गंजी कमला विराव, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टीटीएफआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज मेघा अहलावत, नाबार्ड के चेयरमैन दैट इज शाहजी केबी, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की सुब्रकांत पांडा वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाईजूस, बाईजूस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं लियोनल मेसी जो फुटबॉलर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं अरुण गोयल, एंड चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दैट इज़ टी जी सीतारमन, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट कौन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, दैट इज़ पी टी उषा। हेनली की पासपोर्ट की इंडेक्स आ गई है 2023 की, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है, ये साल में 4 बार आता है, ठीक है, 3-3 महीने बाद, तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2023 में है उसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 85th, ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब कि इसमें पासपोर्ट को पावरफुल कैसे माना जाता है, ठीक है, जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्यों पावरफुल है, क्योंकि 193 देशों में जिसके पास, ठीक है, सपोज़ करो जापान का जिसके पास पासपोर्ट है, जापान के ही सिटीज़न के पास होगा पासपोर्ट, अगर जापान का पासपोर्ट है, ठीक है, वो जो है 193 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकता है और वहाँ पे कुछ दिन रह के वीज़ा ऑन अराइवल मंगा सकता है, ठीक है, इस तरह की सुविधा जो है 193 कंट्रीज़ में जापान के लिए है, ठीक है, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा देश जो है जापान को फ्री वीज़ा देते हैं, ठीक है, तभी सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है जापान के पासपोर्ट को माना जाता है। फिर सिंगापुर आता है, साउथ कोरिया सिंगापुर 192 कंट्रीज़ में ये वैलिड है, जर्मनी 190, जर्मनी और स्पेन, फिनलैंड इटली लक्समबर्ग 189, ऑस्ट्रिया डेनमार्क नीदरलैंड स्वीडन 188 डेस्टिनेशंस। इसी तरह से जो इंडिया है ना, इंडिया मॉरिशस और उज्बेकिस्तान के साथ मिलके 85th नंबर पे है,
मतलब कि 59 डेस्टिनेशंस, मतलब कि 59 कंट्रीज़ में इंडिया वाले जो है अपने पासपोर्ट के साथ ही वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ पे पहुँच के 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो मंगा सकते हैं। मतलब कि फ्री वीज़ा फ्री एंट्री हम किसी भी देश में कर सकते हैं 59 कंट्रीज़ में। 2022 में ये 60 कंट्रीज़ थी, इसमें से एक ने इसमें रिमूव कर दिया है, अब 59 डेस्टिनेशन है, 59 कंट्रीज़ है जहाँ पे हम विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो इंडिया का रैंक है 85th और फर्स्ट पे है जापान, और ये पाँचवीं साल लगातार जो है ये पहले नंबर पर आया है। नेशन सेलिब्रेट्स नेशनल यूथ डे ऑन दैट इज़ बी 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को नेशनल ने इंडिया ने क्या किया है, नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया है। किसके जन्मदिन पे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया गया है। और ये इस बार ये फेस्टिवल जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कोलाब्रेशन विद कर्नाटका के साथ जो है मिलकर इन्होंने ये मनाया है। कहाँ पर, हुबली द्वारद कर्नाटका, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ पे मनाया है, दैट इज़ कर्नाटका में, ठीक है। जो हमारे पास आपको पता है कि जो स्वामी विवेकानंद है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे इंडियन दर्शना टीचिंग्स, मतलब कि दर्शना मतलब कि जो टीचिंग्स हैं, प्रैक्टिस हैं योगा के, वेदांता के, ठीक है। तो इसके ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर थे, बहुत ही ज़्यादा ये पब्लिक फिगर थे, बहुत ही ज़्यादा जाने माने पर्सन थे। तो इनकी एक फेमस जो एक स्पीच भी थी पार्लियामेंट में, कहाँ के, शिकागो में, 1893 में उन्होंने दी थी। आज भी यूएसए वाले उस स्पीच को जो है वो याद करते हैं। तो ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। तो उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर क्या मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के ऊपर जो है हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे ऑन 12th of January। विच कंट्री टू सपोर्ट रेस्टोरेशन ऑफ हैदराबाद पिगा टॉम्ब्स। अब हैदराबाद में पिगास के कुछ टॉम्ब्स हैं, टॉम्ब्स हैं मतलब कि समाधि है, ठीक है, टॉम्ब समाधि को बोलते हैं, ठीक है। जो ये है ये एक तरह की टॉम्ब है, समाधि है, कहाँ पे है, हैदराबाद में, इसको बोलते हैं पिगा टॉम्ब्स, ठीक है। तो ये 18th और 19th सेंचुरी के हैं, ठीक है, 6 पिगा टॉम्ब्स है ये, ठीक है। तो ये इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देगा, $250,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है यूएसए देगा, यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यूएस इसको पैसे फंड कर रहा है, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, जो ये पैसा है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो पिगा टॉम्ब है ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में, ठीक है। जो हैदराबाद की निजाम फैमिली है ना, असफ जाही डायनेसिटी, उनके जो पर्सनस थे, ठीक है, उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। तो इसमें जो मार्बल लगा हुआ है वो ग्रीक, पर्शियन, मुगल, राजस्थानी, असिफ जाही और डेक्नी आर्किटेक्चर का था। तो इसको तो इतने सारे आर्किटेक्चर के वजह से क्या बन जाता है, ये बहुत ही अच्छी साइट बन जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट कितने दे रहा है, $250,000 तो इसके लिए दे रहा है। तो ये कहाँ पर है, पिगास टॉम्ब्स, दैट इज़ इन हैदराबाद। पंजाबी इज़ ऑल सेट टू बी टॉट इन द पब्लिक स्कूल इन दैट इज सी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं ना, 2021 में एक सेंसस हुआ ऑस्ट्रेलिया में कि वहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, 239,000 लोग जो है ना, इससे ज़्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो उनको समझने के लिए अब और लोगों को तो चाहिए, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन जब हो जाती है किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे इसको पढ़ाना ज़रूरी समझा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अब स्कूलों में पंजाबी जो है वो पढ़ा रहे हैं। पंजाबी इज़ ऑल सेट टू बी टॉट इन द पब्लिक स्कूल्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ताकि इतने सारे लोग हैं उनको समझने के लिए, थोड़ा सा कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया है, पंजाबी भी अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, कहाँ पर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पर है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल है एंथनी एल्बनीज। विच कंट्री अनाउंस्ड टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी।
ठीक है, जो ये टाइटल 242 इमिग्रेशन पॉलिसी है ना, ये मार्च 2020 में यूएसए ने इम्प्लीमेंट की थी। क्यों इम्प्लीमेंट की थी? आपको पता है कि मार्च 2020 में क्या हो रहा था, कोविड-19 कोरोना जो है बहुत ही ज़्यादा पीक पे था। तो उन्होंने क्या कर दिया था, यूएसए ने बॉर्डर्स भी जो है वो अपने जो बॉर्डर्स है यूनाइटेड स्टेट के वो बंद कर दिए गए थे, ठीक है, ताकि जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं वो अंदर ना आ पाए और जिसकी वजह से कोरोना ना फैले। तो अभी क्या किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, अभी कोविड-19 कोरोना को बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अभी भी कुछ ही केसेस आ रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने टाइटल 42 जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो स्टार्ट कर दी है फिर से, ठीक है। निकागुआ, क्यूबा और हैती से कुछ लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट में, और मैक्सिको से भी जो है वो कुछ लोग जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो उनको क्या करना है, उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, उनको वहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है। ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ये किसने लॉन्च की है, टाइटल 42, दैट इज़ यूएसए, ताकि जो अनवांटेड इमिग्रेशन है, माइग्रेंट्स हैं जो यूएस यूनाइटेड स्टेट में किसी और कंट्री से आ रहे हैं लाइक क्यूबा, हैती, मैक्सिको एंड निकारगुआ, तो उन लोगों को बाहर निकालना, ये इस प्रोजेक्ट का मोटो है। स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने सहर्ष एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, दैट इज़ डी त्रिपुरा। सो त्रिपुरा ने क्या किया है, त्रिपुरा ने एक सहर्ष नाम का एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता है खुश होना, ठीक है। जो भी इसका ये जो मेन उद्देश्य है ना, वो है कि जो चिल्ड्रन है उनको पढ़ाना किसके साथ, खुशी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, उनको खेल खेल में समझाना, खेल खेल में चीज़ें समझाओगे या फिर खुश होकर कोई चीज़ समझाओगे, ठीक है, प्रैक्टिकली कोई चीज़ समझाओगे, तो वो बहुत अच्छी होती है और बच्चों के माइंड में बहुत अच्छे से चली जाती है वो वाली बात, ठीक है। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और ये पायलट प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब कि चेक करने के लिए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। 40 स्कूलों में ये स्टार्ट किया गया था अगस्त 2022 में, और वहाँ पे देखा कि बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है, इसीलिए अब क्या करेंगे, 204 जो स्कूल हैं पहले से ट्रेंड किए गए हैं पर सहर्ष इसके सहर्ष स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, अब 200 और स्कूल इसमें ट्रेन किए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सहर्ष स्कीम है पूरे के पूरे जितने भी स्कूल्स हैं त्रिपुरा में वो सारे के सारे इसके अंडर आ जाएंगे, ठीक है। अब कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह, स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन, ठीक है। और बॉर्डर इसका किस कहाँ कहाँ पे लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर, और मिजोरम एंड असम के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। कुमाराकोम एंड बैपोरे, ठीक है, कुमाराकोम एंड बैपोरे विच वर सेलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आर लोकेटेड इन द विच स्टेट, ठीक है। स्वदेश दर्शन हमारे पास एक स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो अच्छी अच्छी स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के कुछ एक सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे तरह से डेवलप्ड हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं, ताकि जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए, उनको डेवलप करना, ठीक है। तो उसके लिए स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, उसके अंडर कुमाराकोम एंड बायपोरे ये जो दो जगह हैं ये इसके अंदर डाल दी गई हैं। ये कौन सी स्टेट से हैं, दे आर ऑफ केरला, ठीक है, कुमाराकोम एंड कोट्टायम एंड बायपोरे इन कजाईकोड़े, ठीक है। तो कोट्टायम और कजाईकोड़े की डिस्ट्रिक्ट की ये दो सिटीज़ हैं कहाँ से, केरला में। तो इनको सेलेक्ट किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत, ताकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, ठीक है। 34 और भी स्टेट्स हैं, सॉरी 34 और भी सिटीज़ हैं, डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट 19 डिफरेंट यूटीज़ एंड स्टेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो टोटल 34 जो है ऐड की गई है स्वदेश दर्शन 2.0 में, ठीक है। और केरला हैज़ मैनी प्लेसेस डिक्लेयर्ड अंडर इको टू इको सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रूरल सर्किट एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम 1.0, ठीक है। 1.0 में हमारे पास इको टूरिज्म, इको टूरिज्म आपको पता है, वहाँ पे हम इकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा, इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं। स्पिरिचुअल भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, स्पिरिचुअल जैसे
आध्यात्मिक ज्ञान और बहुत सारे वहाँ पे टेंपल्स हैं, ठीक है। रूरल सर्किट जो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी सीनरीज हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए स्वदेश दर्शन 1.0 में इनको डिक्लेयर किया गया था। अब स्वदेश दर्शन 2.0 में दो ऐसी स्टेट सिटीज़ हैं लाइक कुमाराकोम एंड बेवपोरे, ये भी एडिट की गई हैं केरला की स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम्स के अंतर्गत। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं। न्यूएस्ट हाई कोर्ट इंडिया की, दैट इज़ अमरावती, फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तिरुपति आंध्र प्रदेश में खोला गया है, 260 MWH का है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 क्या बोलती है, मोस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, मोस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट दैट इज मिजोरम, मोस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट दैट इज आंध्र प्रदेश, लीस्ट फॉरेस्ट कवर एंड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट दैट इज हरियाणा। किंग कॉन्स्टेंटाइन टू पासिस अवे, ही वॉज फ्रॉम द विच कंट्री, दैट इज डी ग्रीस। तो ग्रीस के राजा थे, इनका नाम है किंग कॉन्स्टेंटाइन टू, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। अब ग्रीस को देखते हैं हम कहाँ पे है, आपका ग्रीस आपका यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीस है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है दैट इज एथेंस, इसकी जो नेबर कंट्रीज हैं लाइक अल्बेनिया, नॉर्थ मैकाडोना, ठीक है, तो इस तरह की ये इनकी नेबर कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ के जो राजा थे, पहले तो वह यहाँ पे मोनार्क सिस्टम चलता था, बट 1974 के बाद क्या हुआ, 1974 के बाद यहाँ पे रिपब्लिक आ गया, मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो चलती है, ठीक है, 1974 के बाद। तो उससे पहले ये राजा थे कॉन्स्टेंटाइन टू द फॉर्मर एंड द लास्ट किंग, क्योंकि ये राजा भी थे और लास्ट राजा भी थे कहाँ के, ग्रीस के, जिन्होंने ग्रीस को रूल किया था, ठीक है, 1974 के पहले। तो इनकी डेथ हो गई है ग्रीस एथेंस में, एट इनकी एज थी 82, ठीक है। ही वॉज द बॉर्न किंग पॉल वन, ठीक है, ये किंग पॉल वन के बेटे थे और ये भाई थे किसके, किंग जॉर्ज टू, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, इनके भी ये भाई थे, ठीक है, इनके भाई थे, किंग जॉर्ज वन के भाई थे किंग पॉल वन, और किंग पॉल वन के बेटे थे किंग कॉन्स्टेंटाइन टू, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। अब लॉन्गेस्ट मोनार्क जिन्होंने राज किया है किसी भी कंट्री के ऊपर, ठीक है, वो है लुइस 14, जो कि फ्रांस और एंडोरा के राजा थे, उन्होंने 72 साल 110 दिन तक वहाँ पे राज किया। अब क्वीन एलिजाबेथ टू, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ की राजा थी, कहाँ कहाँ की किंग थी, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की क्वीन थी, ठीक है, 70 साल तक इन्होंने राज किया, 214 दिन तक, ठीक है। रामा IX9 दैट इज थाईलैंड, इन्होंने 70 साल 126 दिन तक जो है राज किया। तो ये आपने ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द न्यू स्कीम हैज़ बिन नेम्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज रोल्ड आउट फ्रॉम, दैट इज ए, 1 जनवरी 2023 से जो है ये स्टार्ट होगी, गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी गरीब परिवार हैं, उनको क्या दिया जाएगा, फूड, जो फ्री में फूड दिया जाएगा, फूड ग्रेन जो है वो फ्री में दिए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे जो अंत्योदया के अंदर आते हैं, अंत्योदया अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं, या फिर प्राइमरी हाउसहोल्ड जो PHH है उसके अंदर जो भी आते हैं, ठीक है। तो इन सभी बेनिफिशरीज को क्या दिया जाएगा, फ्री में फूड ग्रेन जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि हमारे पास 2013 का है, आपने ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया है, वो 2013 में आया है। उसका मेन फोकस क्या था कि हमने लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, अफोर्डेबिलिटी मतलब कि सस्ता फूड करना है ताकि लोग उसको ईजिली खरीद सके, अवेलेबिलिटी मतलब कि फूड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम गरीबों को भी वो फूड दे सकें, और मतलब कि जितने भी हमारे पास इंडिया में जो भी लोग हैं वो कभी भी फूड के बिना ना रहें, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अभी हमारे पास फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें इंडिया की जो टॉप स्टेट है दैट इज उड़ीसा पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है, जिनकी सबसे ज़्यादा फूड सिक्योरिटी है, मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको अच्छी तरह से फूड प्रोवाइड हो रहा है, गुड क्वालिटी फूड जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड एंड इंडिया है 68th नंबर पे। हु हैज़ बीन
अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ मेटा इन इंडिया। आपको पता है कि मेटा एक कंपनी है जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सारी कंपनी, ये दोनों कंपनी मेटा के अंदर आती है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है दैट इज़ मेटा। ठीक है, तो इनके जो न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड है इंडिया में, उन किसको बनाया गया है, दैट इज़ विकास पुरोहित को बनाया गया है। और मेटा का फाउंड हुआ था 4 जनवरी 2004 को कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स US में, इसको ये फाउंड किया गया था। इसके चेयरमैन और CEO है मार्क जकरबर्ग। हैरी ब्रुक एंड एशले गार्डनर नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दैट इज़ दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 के लिए हैरी ब्रुक एंड एशले गार्डनर, ठीक है, इन दोनों को क्या क्या पॉइंट क्या नेम किया गया है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अभी अक्टूबर में, आपने ये याद रखना है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली, ठीक है, पहली बार इनको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। नवंबर 2022 के लिए जॉस बटलर, अक्टूबर 2022 जो फीमेल कैटेगरी है उसमें निदादार पाकिस्तान की, एंड नवंबर 2022 सिद्रा अमीन पाकिस्तान। तो विराट कोहली का आपने नाम याद रखना है क्योंकि इनको पहली बार इस लिस्ट में एडअप किया गया है। ICC इंडियन कोस्ट गार्ड शिप डैश डैश, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप है डैश डैश लास्ट वेसल ऑफ FPV सीरीज कमीशनड, दैट इज़ उसका नाम है बी कमला देवी। सो कमला देवी एक हमारे पास FPV सीरीज की एक वेसल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको अपॉइंट किया है, कमीशन किया है। ठीक है, इसका नाम है कमला देवी जो कि कमीशन की गई 12 जनवरी को, कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता इज़ अ कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। FPV का मतलब क्या होता है, फास्ट पेट्रोल वेसल होता है। ठीक है, डिज़ाइंड एंड, और इसको कौन बना रहा है, FPV जहाँ पे भी नाम आए उसको बना रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और किसके लिए बना रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कमला देवी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह की ये शिप है। और इसी के साथ साथ एक पैसेंजर कम कार्गो ओशन गोइंग फेरी दैट इज़ MV मालिशा, ये नाम याद रखना है, MV मालिशा, जो कि बिल्ट बाय द शिपयार्ड फॉर रिपब्लिक ऑफ गुआना। सो रिपब्लिक ऑफ गुआना के लिए इन्होंने ये बनाया है MV मालिशा। ठीक है, उसको भी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है। तो ये पहली बार इस तरह की जो शिप है डिफेंस पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, जो कि इंडिया ने बनाई है, जो कि हमने एक्सपोर्ट की है लैटिन अमेरिकन कंट्री दैट इज़ गुयाना। ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है गुयाना, वहाँ के लिए हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, इसका नाम है MV मालिशा, तो इसको हमने ये किया है। तो ICGS कमला देवी विल पेट्रोल द सीज एंड अंडर टेक एंटी स्मगलिंग। ठीक है, और जो ये कमला देवी है ना, ये समुद्र के रास्तों पे जाएगी। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी एंटी स्मगलिंग होती है उनको पकड़ने के लिए, एंटी पोचिंग होती है। पोचिंग मतलब कि जिस तरह से फिश वगैरह हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है ओशन के अंदर, उनकी क्या करती है, इलीगल उनको मारा जाता है, फिर उनको बेचा जाता है, उसको बोलते हैं पोचिंग। तो उसको रोकने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कमला देवी का हम यूज़ करेंगे। इसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी, और इसको बोलते हैं कौन सी सीरीज़ की है, FPV सीरीज़ की है, फास्ट पेट्रोल वेसल की ये सीरीज है। हु लॉन्चेस बुक टाइटल्स ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज COVID-19 वैक्सीन स्टोरी दैट इज़ डी मनसुख मांडविया, जो कि हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के। ठीक है, उन्होंने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज COVID-19 वैक्सीन स्टोरी एक बुक है जो कि इनको इन्होंने लॉन्च किया है। इसके जो ऑथर्स हैं वो है आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमने, इंडिया ने फाइट किया है कोरोना के अगेंस्ट, और जितने भी चैलेंजेस उस टाइम आए थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस आए थे, कुछ और चैलेंजेस आए थे, तो उनको भी किस तरह से हमने टैकल किया था। ठीक है, और ये कब इन्होंने, ये जो बुक है, इन्होंने सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज COVID-19 वैक्सीनेशन, ठीक है, प्रोग्राम जनवरी 2021 में हमने वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट कर दी थी, तो इसी के एनिवर्सरी में हमने इसको स्टार्ट, इस बुक को क्या किया है, लॉन्च किया है। अब अमित शाह ने भी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ठीक है, तो ये बुक भी किसने लॉन्च की है, ये किया अमित शाह ने, और ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज COVID-19 वैक्सीन स्टोरी ये की है लॉन्च मनसुख मांडविया ने, और लिखी किसने है, आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर ने। कैंपा
कैंपा एक न्यू एक्शन प्लान है फॉर 2023 एंड 24, इज ए स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ विच स्टेट, दैट इज सी उड़ीसा। तो उड़ीसा ने एक स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाई है 2023-24 के लिए, जिसका नाम है कैंपा। कैंपा मतलब कंपनसेटरी अफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, अफोरेस्ट्रेशन का मतलब है, फॉरेस्ट्रेशन होता है बहुत सारे पेड़ उगाना, अफोरेस्ट्रेशन होता है पेड़ों को काटना। ठीक है, तो अगर कोई तो इस तरह का क्या होगा, जो ये कैंपा है इसके अंदर इन्होंने कितने 1086 करोड़ रुपीज़ जो है इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, कब के लिए, 2023-24 के लिए। ठीक है, क्यों, ताकि हम जो मैन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनको कम किया जा सके। अब ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है। अब यहाँ पे लोग जो है कभी कभी यहाँ पे काम करने चले जाते हैं या फिर कुछ घूमने चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं, या फिर जो ये एनिमल्स हैं ये जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ह्यूमन्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो एनिमल मरण की डेथ हो जाती है या फिर वो जो पीपल है उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको कम करने के लिए जो है कैंपा कैंपेन, उन्होंने बहुत सारा फंड जो है वो लॉन्च किया है 2023-24 के लिए। और ये कहाँ के लिए लॉन्च किया है, उड़ीसा के लिए लॉन्च किया है। अब कैंपा जो होता है ना, इसका जो मेन फोकस होता है किसके लिए होता है, फॉरेस्ट की प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पे आग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे साइमल्टेनियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन फॉर बम्बू फॉरेस्ट के लिए, सॉइल एयर मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, मतलब कि जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहते हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया। सो ये सारे के सारे काम जो है वो कौन करता है, कैंपा करता है। उन्होंने झारखंड के लिए, सॉरी उड़ीसा के लिए 1086 करोड़ रुपये 2023-24 के लिए दिया है। क्यों दिया है, रिड्यूसिंग द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। नासा स्पॉट्स अर्थ साइज रॉकी प्लैनेट नेम्ड, दैट इज ए TOI 700E। आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये TOI 700 की जो सीरीज है, ठीक है, ये सारी की सारी सीरीज वो सीरीज है, उन प्लैनेट की सीरीज है, जितने भी ये प्लैनेट है ना, ये अर्थ की तरह है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि पानी भी हो सकता है यहाँ पे लाइफ भी हो। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपके TOI 700 सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें जो रिसर्चर है उन्होंने BCD पहले से खोज के रखे थे, अब इन्होंने क्या किया है, TOI 700E जो है इन्होंने खोजा है। ठीक है, जो ये प्लैनेट है ना TOI 700E, यहाँ पे पानी भी हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, आदमी रह भी सकते हैं, इंसान रह भी सकते हैं, यहाँ पे लाइफ भी हो सकती है। तो ये जो है इन्होंने किया है। ठीक है, नासा ने इसको फाउंड किया है ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन, ठीक है, इसका नाम था। तो उन्होंने ये किया है। तो ये डिस्कवरी किसने की है, बाय एमिली गिलबर्ट, ए पोस्ट ट्रल फेलोशिप है ये नासा के अंदर। उन्होंने ये लैब के अंदर साउदर्न कैलिफोर्निया में ये फाउंड किया है कि एक TOI 700E नाम का भी ये क्या है, प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ हो सकती है। अब कुछ और सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, PSLV C-52 जो है RESET-1A EOS-4, इसके थ्रू हमने सेंड किया था, ये इसरो का मिशन है। ठीक है, PSLV C-52 इसरो का मिशन है, जिसके अंदर EOS-04 हमने भेजा था, इंस्पायर सेट भी भेजा था, INS-2TD भी भेजा था। ठीक है, इसमें जो सैटेलाइट, एक सैटेलाइट था वो भूटान का भी था। ठीक है, PSLV C-53 DSEO सिंगापुर की सैटेलाइट हमने स्कूब और न्यूसार इसके थ्रू भेजी थी, ये इसरो के हैं दोनों। ठीक है, Ariane 5 रॉकेट GSAT-24 कहाँ से लॉन्च किया, फ्रेंच गुआना से गिव, और ये हमने ये किसको दिया है, Ariane 5 रॉकेट GSAT-24 है ये दिया है हमने टाटा DTH को ऑन द लीज। आजादी सेट ये भी इसरो का है। ठीक है, आज़ादी सेट एंड EOS-2 ये हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू भेजे थे, और ये फर्स्ट टाइम हमने भेजा था, मतलब कि फर्स्ट फ्लाइट थी किसकी, SSLV की, ये फर्स्ट वो जो है थी। ठीक है, आज़ादी सेट जिसमें से जो आज़ादी सेट है ना, ये स्टूडेंट्स ने बनाया था ये वाला सैटेलाइट, जो कि फेल हो गया था, इसको हम ऑर्बिट में अच्छी तरह से प्लेस नहीं कर पाए थे। EOS-02 ये सक्सेसफुल रहा था। हाँ, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वर्ल्ड की जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट ऑफ इराक अब्दुल लतीफ राशिद, प्रेसिडेंट ऑफ स्वीडन उल्फ क्रिस्टन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक,
न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील लुइज इनाको लुला डी सिल्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू, इससे पहले येर लिपिट थे, अब बेंजामिन नेतन्याहू फिर से बन गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तैयब इकराम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तान के हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड दैट इज अरुणा मिल्लर, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बर्कले, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया नताशा पिर्क मुसर, एंड प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान कसेर जोट जोमाट तकायव, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम, सीईओ ऑफ एडिडास बिजोन गुलादीन, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट दैट इज क्लोडिन गे, एंड WHO की न्यू साइंटिस्ट दैट इज सर जेरेमी फरार। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।